केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने टनकपुर में 2217 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि काठ गोदाम से नैनीताल मार्ग के 2 लेन पैड शोल्डर सहित चौड़ीकरण से मानसखंड मंदिरों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। काशीपुर से रामनगर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और मानसखंड मंदिरों तक पर्यटकों को पहुंचना आसान होगा। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक है। हर साल 50 लाख से अधिक श्रद्धालु मां पूर्णागिरी के धाम टनकपुर में आते हैं। वहीं आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ेगा और अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने आदि कैलाश के दर्शन किए, जिसके बाद से बहुत सारे लोग यहां आ रहे हैं। हमारा प्रदेश धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी गारंटियां पूरी हो रही हैं और डबल इंजन की सरकार सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। केंद्र की बीजेपी सरकार उन सभी नीतियों को स्वीकृति दे रही है जिनकी उत्तराखंड को जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चार धाम के साथ ही मानसखंड माला मिशन के तहत हमारे सारे मंदिरों का यहाँ पर जीर्णोद्धार हो रहा है। बहुत सारे मंदिर हमारे जो मानसखंड माला मंदिर मिशन में है, 16 मंदिरों को हमने पहले चरण में उनका विकास करने में, उनका पुनर्निर्माण करने का हमने संकल्प लिया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे टनकपुर पिथौरागढ़ की जो सड़क कनेक्टिविटी है वो तेजी से बढ़ी है, किस प्रकार से विकास हुआ है हमने देखा है। और दिल्ली जाने के लिए जिस प्रकार मुरादाबाद से रामपुर से 6 लेन हाईवे हमको मिल रहा है, आप यहां से जाते थे पहले खटीमा का बाईपास भी आपके ही कारण से हमको मिल पाया। मैं आज इस मंच से आपका उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं।